छत्तीसगढ़ प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रवक्ता एवं नगर निगम चिरमिरी के पार्षद शिवांश जैन ने चिरमिरी एसईसीएल मुख्य महाप्रबंधक से मिलकर तीन महत्वपूर्ण मांग को पूर्ण करने हेतु ज्ञापन सौंपा, जिसमें की प्रमुख रूप से डोमन हिल में नगर निगम द्वारा 3 करोड़ की लागत से बन रहे सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन पर एसईसीएल द्वारा लगे इसे हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही वर्तमान में एसईसीएल द्वारा चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में एसईसीएल के मकान में रह रही जनता और रिटायर्ड कर्मचारियों को मकान खाली करने का नोटिस देने के विरोध भी उनके द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इसे तत्काल रोकने को कहा गया एवं तीसरे बिंदु में अंजन हिल और बरतुआ हिल में खुलने वाली निजी खदानों में क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देने हेतु मांग की गई। उपरोक्त मांग पूर्ण न होने पर आगामी समय में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि पार्षद शिवांश जैन काफी समय से इस प्रकार के जनहित के विभिन्न मुद्दे उठाते रहते हैं, जो कि क्षेत्र के प्रति उनके विकास की सोच को दर्शाता है। इस दौरान उनके साथ पार्षद सुनील मुकेश इकराम, नितिन सिंह, वीरू खान, अशरफ अली, राहुल मलिक, पूर्व एल्डरमैन उमाशंकर अलगमकर, मोहम्मद शहाबुद्दीन, दिनेश वस्त्रकार एवं अन्य कांग्रेस जन उपस्थित रहे। देश के आम चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है। ऐसे में जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र में पुरानी बहुत सारी जनहितकारी योजनाएं चल रही थी, जिसमें सर्वप्रथम मैं बात करूं मंगल भवन की, जो कि डोमन हिल में 3 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें पूरा एयर कूल्ड वातावरण और 2000 लोगों के बैठने का हॉल शादी ब्याह का, जो गरीब लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, उसमें स्टे लगाकर रखा हुआ एसईसीएल ने विगत 6 से 8 महीनों से। हमने इसका पहले भी ज्ञापन दिया है और कहा है कि उसका स्टे हटाया जाए, उसका जल्दी निर्माण कराया जाए, जिससे चिरमिरी की जनता को उसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक उसमें कोई भी एसईसीएल के द्वारा सरल रुख अपनाया नहीं गया और उसका स्टे नहीं हटा। इसके लिए आज हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही जो 2 खदानें चिरमिरी में आई हैं, अंजन हिल और बर्तुंगा हिल में ओपन हो रही हैं, उसमें स्थानीय युवाओं के रोजगार का भी विषय काफ़ी दिनों से हम उनको ज्ञापन और पत्राचार के माध्यम से अवगत करा रहे थे, लेकिन अभी तक स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार की सुविधा भी नहीं मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ तीसरा एक और विषय है जो अभी अभी पिछले 15 दिनों से हमारे संज्ञान में आया कि एसईसीएल सभी लोगों को नोटिस दे रहा है कि जो भी एसईसीएल के क्वार्टर में रह रहा है वह एसईसीएल क्वार्टर खाली करे। चिरमिरी जो कि कोयलांचल क्षेत्र है, अधिकांश भूमि और क्वार्टर यहाँ एसईसीएल का है। ऐसी स्थिति में जो लोग रिटायर हुए हैं, जीवन भर एसईसीएल में उन्होंने काम किया और गरीब तबका जो हमारा रह रहा है उसको इस प्रकार का नोटिस देना बहुत ही दुर्भाग्यजनक और तानाशाही रवैया एसईसीएल का है, जिसको लेकर आज हम ज्ञापन दिए हैं। और इन तीनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए इनका निराकरण हमने 1 माह के भीतर उनसे कहा है कि आप हमको करके दीजिए, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी।